हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित कीड़ा ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको मुंबई के जो फेमस वड़ा पाव मीन्स जिसने वड़ा पाव को लॉन्च किया महाराष्ट्र के अंदर, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिसने मुंबई में वड़े पाव लॉन्च किया, उनके बाप दादा ने कभी लॉन्च किया था, वो आज 200 वर्ष से वो दुकान चलती हुई आ रही। मेरे भाइयों, दुकान तो बहुत देखी होगी आपने, लेकिन ऐसी दुकान नहीं देखी है आपने। फिलहाल दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, एनी टाइम 24 आवर्स 200 आदमी लाइन में, और कम से कम नहीं काउंटर पे 20 आदमी एक साथ में खड़े हो के भीड़ में वड़ा पाव, दोपहर के साइम टाइम में भीड़ में वड़ा पाव लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये वीडियो पूरी देखना, और साथ में ही आपको मैं कराएंगे दर्शन, वो भी सिद्धि विनायक टेंपल गणपति बप्पा मोरिया। चलिए दोस्तों, और जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये सामने से रोड है, मैं इधर से जाऊंगा और आप लोगों को पूरा इधर से जाके पूरा। तो मैं पहुँच गया ऑलरेडी दादर प्रभा देवी, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज सिद्धि विनायक टेंपल। दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको बाइक कैमरे से सिद्धि विनायक टेंपल। तो ये है सिग्नल, और इधर अगर सामने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मीन्स वर्ली नाका। दोस्तों, ये सामने है गेट, एंट्री गेट, और आप देख सकते हैं ये सिद्धि विनायक टेंपल के अंदर का एंट्री गेट है, और इधर से ये साइड से बाहर निकलने का है, और मैं आपको अंदर का दर्शन, यहीं टीवी लगी हुई है, दो दो महाराज ऑलरेडी काम चालू करके रखे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं वो वड़ा पाव की दुकान के पास, जो मतलब बोलते ना कीर्ति वड़ा पाव, कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव, सबसे महंगी मतलब ये वड़ा पाव की दुकान है। 25 रुपये का एक वड़ा पाव है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आज की डेट में, अभी पहले तो कुछ कम था, लेकिन अभी आज की डेट में करीब 25 रुपये के आसपास है। वड़ा पाव कितने का? 25 का है ना, तो 25 रुपये का है। लेकिन ये समझ लीजिए आप लोग कि चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, एनी टाइम 24 आवर्स भीड़ रहती ही रहती है, मतलब इतना ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब क्वालिटी भी है, अच्छा क्वालिटी है, तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं ये साइड में, तो आप ज़ोर से ज़ोर इस वड़ा पाव को एक बार दुकान में प्रवेश करें और खाएँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो भीड़ है नहीं है उतना ज़्यादा, और बहुत कम भीड़ है, ये वड़ा पाव की दुकान है, ये लाइन लगी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी लाइन है। तो दोस्तों, धूप बहुत ज़्यादा है, एक पेड़ के नीचे रुक गए हैं, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है धूप कि पूछिए मत, गर्म बहुत ज़्यादा है। और एक न्यू सब्सक्राइबर मिल गए हैं, तो ऑलरेडी चाकू का मीन्स धार वगैरह बनाते हैं, ये हैं मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं दोस्तों। तो अभी जो है फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ समंदर के किनारे, आप देख रहे हैं आगे वड़ा पाव की दुकान है, और इसी के जस्ट बगल में समंदर है, समंदर का किनारा है। तो आप लोग देख रहे हैं क्या मस्त नज़ारा है, ये साइड में माहिम है, और ये बांद्रा वाली सीलिंग दिख रही है। बांद्रा वाली सीलिंग ये दिख रही है, समुंदर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं समुंदर इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा है।
लहर कुछ ज़्यादा ही है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक बहुत कम है। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, वो भी बहुत जल्द। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का प्यार मोहब्बत अगर आप लोग बनाए रखेंगे तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।